हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलम हार्डवेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ डिफेंस स्क्रू क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने तरह के आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चार तरह के सेल्फ डिफेंस स्क्रू रखे हुए हैं। तो आज मैं इसको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको कि ये किस तरह से काम करते हैं, कौन सी मशीन में कैसे काम करते हैं, आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। लकड़ी में भी यूज किया जा सकते हैं, लोहे में भी यूज कर सकते हैं, और कितने एमएम में मोटाई में ये थिकनेस कर सकता है, कितनी मोटाई में ये जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको ये जो स्क्रू दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सेल्फ थ्रेड स्क्रू है सारे ही, जो कि आपको सेल्फ बोले तो सेल्फ क्यों होते हैं दोस्तों, तो आप बात कर लेते हैं। जो आपके सामने ये स्क्रू हैं, ये छोटे छोटे स्क्रू हैं, आप देख सकते हैं ये सेल्फ क्यों होते हैं। आगे इसका कुछ इस टाइप से टेम्पर होता है, इसको आप ब्लेड भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी कुछ इस टाइप से ब्लेड होती है, इसका टेम्पर होता है, तो कि आपको इसके कहीं सुराग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। तो सेल्फ बोले तो दोस्तों, अगर आप किसी को होल करने की कहीं पे भी आपको जरूरत नहीं है, अगर आप इसे कहीं पर भी लगाना चाहते हो, किसी लकड़ी में लगाना चाहते हो, किसी लोहे में लगाना चाहते हो, आपको ये 5 सूत तक आराम से आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो। 5 सूत थिकनेस में आप इसे लोहे में आराम से कहीं पर भी फिट कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लेड होती है आगे की साइड में, ये इसे यहाँ पे सुराग करने में मदद करती है। जो ब्लेड होता है, इसका टेम्पर होता है, यहाँ पे इसके इसे छेद करता है। आगे की साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा डिटेल से कि आप ये जो ब्लेड देख रहे हैं, इसके आगे की साइड में आप जो ब्लेड देख सकते हैं, ये ब्लेड होती है, इसको छेद करती है, सुराग करने में इसकी मदद करती है। दोस्तों, उसके बाद में जो आप यहाँ पे ये चूड़ी देख रहे हैं, जो इसे थ्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुराग करने के बाद इसे यहाँ पे ये आराम से इसकी ऐसे घूमती है मशीन के साथ में, जो आपको कहीं पे भी सुराग में आराम से चली जाती है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको एक रबड़ वाइशर ऊपर, उसके बाद मिलता है आपको एक लोहे का वाइशर, उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे ये 8 नंबर पाना लगने के बाद नट लगा होता है, जो आप आराम से इसको कस सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये रबड़ क्यों लगा होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, ये रबड़ इसलिए लगा रहता है, अगर आप कहीं पर शीट पे या चादर वगैरह पे कहीं पर लगाते हो या छत पे अगर लगाते हो, तो ये इसको टाइट करने के बाद में इसको यहाँ से लीकेजिंग बंद कर देता है। अगर आप कोई छत पे लगा रहे हैं या फिर किसी शीट वगैरह में लगा रहे हैं, तो पानी आने से आपको ये बचाता है, इसलिए ये रबड़ यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो आपको यहाँ से ये एकदम पंच कर देता है। उसके बाद में आपको अगर पानी वगैरह लीकेज होने की परेशानी आपको खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये स्क्रू आते हैं, जो आपको मार्केट में किसी भी कंपनी के अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बड़ा स्क्रू भी आते हैं, जिसकी थ्रेड ज़्यादा होती है और ज़्यादा अगर आपको गहराई में लगाना हो तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्क्रू लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको पता ही चल गया होगा आपके स्क्रू कैसे और कैसे काम करता है, कहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों, ये लकड़ी में भी काम करता है और लोहे में भी काम करता है, आप पाइप में भी इसे लगा सकते हैं, एंगल में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी इसे स्क्रू को लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम सेल्फ थ्रेड स्क्रू इसलिए कि आपको इसमें सुराग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली सुराग कर लेता है, बस आपको इसमें एक कंडीशन होनी पड़ती है कि आपको इसको मशीन से यूज करना पड़ता है। दोस्तों, ये सेल्फ इसलिए होता है कि आपने मैंने बता ही दिया है पहले कि आपके यहाँ ब्लेड होती है, उसके बाद में आपके यहाँ थ्रेड होती है, उसके बाद ये जो आपकी ब्लेड से सुराग कर देता है, उसके बाद ये थ्रेड ऑटोमेटिकली मशीन से कसती हुई चली जाती है। उसके बाद ये वाइशर है, आपके रबड़ वगैरह लगा रहता है, जिसको ये एकदम पंच कर देता है, जो कि आपके पानी वगैरह आने से बचाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी मशीन के बारे में। दोस्तों, आपको कौन सी मशीन यहाँ पे यूज़ करनी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बॉश की मशीन बता रहा हूँ, मेरे पास जो अवेलेबल है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉश की मशीन आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कुंडी लगी हुई होती है जो आपकी ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके मशीन का मुँह है और ये यहाँ से ही मशीन मूवमेंट करती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नट है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको एक बार लगा के कि इसको आपको कैसे यूज करना है। ये 8 नंबर की गुंडी है दोस्तों, ये जो आपका नट है पीछे की साइड में आप देख सकते हैं, ये 8 नंबर नट है, इसे कैसे फिट करना है, इसे यहाँ पे आपको कस देना है। उसके कसने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से इसे फिट हो जाता है, उसके बाद में आपको ये मशीन यहाँ से मूवमेंट करती है और ये नट ऐसे घूमता है और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सुराग करने के बाद में ये थ्रेड पे आ जाते हैं और थ्रेड में आराम से कसने के बाद में ये यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद में आपको ये मशीन यहाँ से निकालनी है और ये नट वहीं पे ही छोड़ देना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों इसका। और ये दोस्तों आपको क्या रेट में पड़ता है, इसके रेट में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसके साइज के हिसाब से रेट होता है, ये आपको 1 रुपए का भी पड़ता है और 1.5 रुपए का भी पड़ता है और 2 रुपए तक के भी आपको स्क्रू मिल जाते हैं आराम से। दोस्तों, इस नट की खासियत ये, इसकी क्वालिटी यही है कि आपको किस टाइप में सुराग करने में कोई परेशानी नहीं देता है, आराम से ये कहीं पर भी लग जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे प्लाई में लगाया हुआ है स्क्रू, जो कि पलंग की फोल्डिंग में
लगाया हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यार ये जो स्क्रू होता है इसके टेम्पर पे डिपेंड करता है, एक बार में हो सकता है आपका स्क्रू सही जगह नहीं लगे, सही नहीं लगे, क्योंकि उसका टेम्पर यहाँ से सही नहीं होता है बहुत सी बार, तो आप दूसरा स्क्रू चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर से पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है स्क्रू को रिलेटेड तो नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस टाइप के स्क्रू खरीदने हैं तो मैं इस टाइप के स्क्रू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप खरीद के बाय कर सकते हैं, उसे अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।